दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 165 नए केस। गुजरात के कच्छ में 4.2 तीव्रता का आया भूकंप। गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर एमएचए में बड़ी बैठक। कोरोना कंट्रोल फॉर्मूले में नहीं होगा कोई बदलाव, डॉक्टर वीके पाल ने बोला। स्वागत है आपका, करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 56 लाख विद्यार्थियों की परिणति का फॉर्मूला लगभग तय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा तैयार किए गए फॉर्मूले में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को हाईस्कूल के 50% अंक, कक्षा 11 के 40% व इंटरमीडिएट प्री बोर्ड के 10% अंकों को जोड़कर प्रणति दी जाएगी। वहीं हाईस्कूल का परिणाम कक्षा 9 के 50% और कक्षा 10 की प्री बोर्ड परीक्षा के 50% अंकों को जोड़कर तैयार किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रोन्नति का फॉर्मूला रखा जाएगा, फिर इस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत निराश्रित हुए बच्चों की देखरेख अब सरकार करेगी। इस योजना के सिलसिले में गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने अपने माता पिता या घर के कमाऊ सदस्य को इस महामारी में खो दिया। ऐसे बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए बाल सेवा योजना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गोरखपुर जनपद में 174 बच्चों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। इन बच्चों से सीएम ने मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। बता दें कि सरकार ऐसे बच्चों के भरण पोषण के साथ ही उनकी पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा उठाएगी। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया है। गोरखपुर जनपद में 6 ऐसे बच्चे मिले हैं जिनका दोनों यानी कुछ के बच्चों की ऐसी स्थिति थी। मैं आज उन परिवारों से मिला हूं, उनके लीगल गार्जियन के साथ आज मैंने उन बच्चों के साथ भेंट की है जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं। उनमें से एक की मौत दुखद जो मृत्यु किसी अन्य बीमारी से पहले हो चुकी थी, दूसरे की कोरोना के दौरान इस दौरान हुई है। तो दोनों उनके माता पिता की दुखद मौत हो चुकी है। ऐसे 6 बच्चे अब तक यहाँ जनपद में चिन्हित हुए हैं। 174 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को मैं अपने परिवार के कमाओ अभिभावक को खोया है, माता या पिता को खोया है। उन सब के बारे में केंद्र और राज्य सरकार ने उनके संरक्षण के लिए एक योजना लागू की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जिन बच्चों की माता पिता की दुखद मौत हुई है उन्हें 18 वर्ष की आयु तक आने तक 4,000 रुपये हर महीने राज्य सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए भी व्यापक कार्य योजना सरकार ने बनाई है। बाल संरक्षण गृह के माध्यम से बालिकाएं हैं तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से, अटल आवासीय विद्यालयों में भी उन बच्चों को आधुनिक शिक्षा दिलाने की एक व्यापक। आजमगढ़ में एसटीएफ की जांच में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी करने वाले का राजफाश हुआ था, जिसमें जिले के 6 शिक्षकों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 3 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर एफआईआर की गई।
अब दो और फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर वर्ष 2018 से ही एसटीएफ फर्जी शिक्षकों की जांच कर रही है। जांच शुरू होने के बाद कई फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। जिले में अब तक कुल 6 शिक्षक संदिग्ध पाए गए हैं, जिनमें 3 की सेवा समाप्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें प्राथमिक विद्यालय केशवपुर बरतानी में तैनात सहायक अध्यापक वरुणेश कुमार, इस्माइलपुर बरहती में तैनात अरुण कुमार मिश्र और अतरौलिया के भीवरा में तैनात रिकी सिंह शामिल हैं। इनमें कई की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब शिक्षा क्षेत्र मार्टिनगंज के प्राथमिक विद्यालय चकटेऊखर में तैनात रहे सहायक अध्यापक अजय कुमार कुशवाहा और शिक्षा क्षेत्र हरैया के प्राथमिक विद्यालय विशेखापुरा में तैनात रहे सहायक अध्यापक प्रवीण कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विधायक निरीक्षक अनबरीश कुमार ने बताया कि अभिलेखों के सत्यापन में फर्जी मिले शिक्षकों की सेवा समाप्ति और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई जारी है। लगातार हो रही बारिश का असर अब जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। एक तरफ जहां लोगों की मुसीबत बढ़ने लगी है, वहीं नदियों का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आजमगढ़ डीएम उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी के तटबंध के मरम्मत कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, तभी वहां पर ग्रामीण भारी संख्या में पहुंच गए और कार्यों में हो रही लापरवाही की शिकायत करने लगे, जिसे देखकर अधिकारियों में खलबली मच गई और नोकझोंक भी शुरू हो गई। अभी घाघरा खतरे के नीचे बह रही है, लेकिन यहां पर बांध की मरम्मत का कार्य पूरा ना होने के चलते लोग परेशान दिख रहे हैं। पिछले वर्ष जोखरा तटबंध टेकनपुर गांव के पास टूट गया था, जिससे 2.5 दर्जन गांव बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष की घटना को लेकर मरम्मत का कार्य पहले से ही कर लेने के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर डीएम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष करीब 25 से 30 नए गाँव बाढ़ से प्रभावित हो गए थे, इसलिए इस बार जोखरा टेकनपुर तटबंध को ठीक कराया जा रहा है। आगरा जिले के बसौना थाना इलाके के उदयपुर खालसा गांव के प्रधानपति की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानपति एक युवक के साथ गाली गलौज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित युवक का आरोप है कि वो कूड़ा डालने के लिए घर के बाहर गया था, तभी प्रधानपति अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित युवक ने जब मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उस पर केस दर्ज कर दिया, जिसके बाद युवक ने आला अधिकारियों से गुहार लगाई है। ये हुई थी कि हमारा एक रिश्तेदार रहता है गांव के अंदर, वो हमारा रिश्ते में साला लगता है, उसको जबरन जैसे घूरा डाल रहा था एक करीब करीब 1.5 साल से। इन्होंने उसके ऊपर, हमारे गांव के प्रधान ने उसके ऊपर घूरा डाल दिया और उसको घूरा नहीं बनने दे रहा है, और उससे बोला यहाँ घूरा मंडाल नहीं मारेंगे। आज वो लाठी पाठी लेके आ गए उसको मारने के लिए, उसको दौड़ा दौड़ा के मारा है उन्होंने। जब हम लोग गए बीच बचाव के लिए तो हमारे खिलाफ तहरीर दे दी उसने थाने में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए सरकार ने मुख्य आदेश दिए हैं। गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि इन पर चलने पर पता ही नहीं लगता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे। जनपद के मार्गों की पड़ताल की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो काफी समय से सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए सड़कों पर बारिश का पानी भरा रहता है और मजबूरन सड़कों पर भरे गंदे पानी से लोगों को जाना पड़ता है। समस्या है कि यहाँ ना तो कोई साधन जैसे निकलता है बड़ा वाहन तो निकलने में सारी कमियां हैं कि ना कोई बगल से साइड मिलती है, अगर साइड नहीं देती तो चलने वाला ऐसे दूसरा ड्राइवर है तो मारने के लिए तक दौड़ता है, कहते हैं कि तुम साइड नहीं देती। अब साइड के लिए यहाँ की कोई इतनी जगह भी नहीं मिलती है, बगल से पेड़ लगे हैं, दखनी हैं, उनके जो बड़े बड़े गड्ढे हैं कि रोड पे मेन रोड पर कि सबकी चलने की रास्ता होती है, वहाँ जानवर जो भैंस है तो भैंस भी हो वहाँ पर। कानपुर देहात में अरशदपुर गांव के 3 युवकों ने एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने पीड़ित पक्ष की बात नहीं सुनी और शिकायत को फर्जी बताकर पीड़ित परिवार को थाने से भगा दिया।
पुलिस की इस हरकत ने उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए और अपराधों पर अंकुश लगाने के दावों की पोल खोल कर रख दी है। अब पीड़िता की ना तो शिकायत दर्ज हुई और ना ही उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। अब देखने वाली बात है कि अपराधियों पर कितनी जल्द ही कार्रवाई होगी। फिलहाल पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा गाँव एकजुट हो गया है और उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की जा रही है। सर हमारे घर में रात में आए तो कोई नहीं था सर, हमारे इधर पड़ोस में एक लड़की खत्म हो गई थी सर, तो जी हमारे माँ बाप गए थे, तीन लोग आए थे सर, जगत सिंह और सर सर्वेश और सर आकाश ने जबरदस्ती बलात्कार किया, तो सर थाने में हम लोग गए थे तो उधर बोल रहे थे फर्जी रिपोर्ट है, तुम लोग फर्जी बना के लाए हो और ऐसा सर्वेश है नहीं। कौशाम्बी के चायल तहसील क्षेत्र में एक झोलाचाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद ग्रामीण और परिजनों ने चिकित्सक के खिलाफ जमकर हंगामा किया। घंटों सड़क पर ग्रामीणों की भीड़ लगी। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर थाना पुलिस पहुंची और आरोपी चिकित्सक को हिरासत में ले लिया। शिकायत और हंगामे के आधार पर पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुशीनगर जिले के गंडक नदी में फंसी नाव पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ टीम ने मोर्चा संभालते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। डीएम एएस राजलिंगम और एसपी सचिंद्र पटेल पूरी रात मौके पर डटे रहे। जानकारी के मुताबिक बरवा पट्टी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत अम्बा खास के बरवा पट्टी घाट पर नदी पार कर रहे लगभग 150 लोग नाव समेत नदी में फंस गए। नाव में लगे इंजन में आई तकनीकी खामी के चलते नाव धारा में फंस गई थी। करीब 5 किलोमीटर बहकर नाव संपूर्णा नगर गांव के सामने धारा में रुक गई। तत्काल में मेरे पिताजी सूचना हमको दिए जैसे दुधई से आए और तुरंत सूचना दिए कि नाव फंसी है, उस नाव पे 200 करीब लोग हैं। जैसे सूचना हमको मिला है तुरंत हम पहुँचे हैं और डीजल और पता चला है कि डीजल ख़त्म हो गया है, तो डीजल का व्यवस्था और दो चार नाव का व्यवस्था हम तत्काल करवाएं, जिसमें कुछ लोग आए। सूचना मिली थी हम लोगों को इस तरह की नाव में लोग फंसे हुए हैं, तो हमारे एनडीआरएफ और एनडीआरएफ को सूचना दे दी है। इसके अलावा जो एक नाव लगा के जो वहाँ के लोगों को 30-30 के बैच में उनको सुरक्षित यहाँ पे लाया जा रहा है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जब तक पूरा ऑपरेशन पूरा रेस्क्यू नहीं हो पाए। सोनभद्र में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लौवा नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया है। मौके पर पहुंचकर एसडीएम इलाके का जायजा ले रहे हैं, साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने पारित किए। गाँव संपर्क मार्ग को भी जल्द से जल्द ठीक कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। संभल पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 25,000 के इनामी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस करीब 5 महीने से शराब तस्कर पप्पू उर्फ भगवान दास की तलाश में थी। आरोपी सिमरई शराब कांड का भी अपराधी था, जिसके चलते पुलिस उसकी तलाश में कई जगह गश्त दे रही थी और हालांकि उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की इन खास खबरों में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।